सभी बंधु अपने अपने घरों में गणपति महाराज का अपने हाथ से मूर्ति बना करके और पूजा अर्चना करें। भगवान हमें बहुत वृद्धि दे, खुश रखे, हमारा यही शुभकामना है आप लोगों से। और यही उम्मीद रखता हूँ कि इस बार गणपति पूजा हम लोग बहुत अच्छे से मनाएंगे और हर घरों में मनाया जाएगा। वंदे मातरम भाइयों, आज मैं एक छोटी सी एक जानकारी देने जा रहा हूँ जो कि आप लोग भी इससे अवगत हैं। अभी कुछ दिनों बाद गणपति पूजा आने वाला है और हमारे सारे प्रदेश में बहुत अच्छे से धूमधाम से गणपति पूजा होते हैं। तो उसके बारे में मैं एक छोटा सा रख रहा हूँ आप लोगों के सामने बातें, जो कि इसको नॉलेज में रखिएगा पूजा के समय। वैसे आपको नॉलेज तो है ही है, जैसे आप मार्केट से कोई भी मूर्ति खरीद के लाते हैं, आप खरीदिए कोई दिक्कत नहीं, मगर ये देखिए कि शुद्ध मिट्टी का है नहीं है, पीओपी तो नहीं है, प्लास्टर तो नहीं है, पकी हुई मिट्टी नहीं है, कच्ची मिट्टी का पूजा होता है। और थोड़ी साफ सुथरी ऑर्गेनिक मिट्टी मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। जैसे कि ये मिट्टियाँ हैं, ये खेतों खदानों की मिट्टियाँ, इसको हम लोग गीला करेंगे। गीला करने के बाद में ऐसे 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 ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। इससे अपने हाथों से भगवान की मूर्ति बना करके अच्छे अच्छे डिजाइन में, जैसे आप नाक डिजाइन, आप भगवान गणपति आपको केवल हाथ लगाते ही अपना बूट जो है ना दिखाने लगेंगे। और इसमें कोई बड़ी मेहनत की बात नहीं है, आप अपने पूजा अपने घर में अपने हाथों से अपने शुद्ध मिट्टी से बनाइए और गणपति का पूजा कीजिए। और पूजा करने के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टप में बाल्टी में अपने घरों में इनका पूजा पाठ करने के बाद विसर्जन करके और उस टप के अंदर डालते ये मिट्टी नमक जैसे बिल्कुल क्लीन गल जाएगा। गलने के बाद में पेड़ में पौधों में तुलसी में उसमें डाल देंगे, उनका मतलब पूजा सामग्री वगैरह वगैरह जो भी आप पूजा जैसे करते हैं जिस व्यवस्था से करते हैं कर करके और इन मिट्टियों को उसके अंदर डाल दीजिए। ये हुआ। आप लोगों के पास अगर जो गंगा जी हैं या तालाब है, शुद्ध पानी जहाँ भी है, अगर जो आप वहाँ उनका विसर्जन कर रहे हैं और सुविधा है तो कीजिए, वहाँ अति सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कहने का मतलब कि जो पब्लिक बहुत भीड़ में है, वहाँ तालाब नहीं है, गंगा नहीं है, तो वो लोग अपना घर के अंदर विसर्जन का कर सकते हैं। और हमारा मेन मतलब ये था कि ये मिट्टी इस बार अधिक से अधिक अपने घरों में अपने हाथों से गणपति को बनाना है और अच्छे ढंग से बना करके उनका खूब बढ़िया से पूजा पाठ कर करके और मिट्टी को अपना टप में डाल करके उसका तुलसी में गमले में डालिए। जैसे कि हमने ये मूर्ति बनाते हैं, जैसे हम लोग ये मूर्ति बनाते हैं तो इसको बना करके लोग पेंट कर देते हैं। पेंट करने के बाद में आप इसको क्या समझ सकते हैं, पीओपी अगर जो हम बना करके आपको देंगे तो फिर वो पानी में गलेगा नहीं, इसलिए पूजा में अच्छा नहीं माना जाता। तो ये हमारा प्रयास है कि इन बातों को ध्यान में रखिएगा आप लोग, इस बात को ध्यान में रखते हुए, ताकि हमको ये पूजा इस बार अपने हाथों से ही बनाना है। हमें बड़ा खुशी होगा और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि हर घरों में गणपति महाराज को अपने हाथों से बनाए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ, जिसका बिजनेस है जो बना रहे हैं, बहुत ऐसे बंधु हैं खरीदने वाले जो कि उनके पास मिट्टी नहीं है या और कोई असुविधा है, वो खरीद सकते हैं, मगर प्रयास यही कीजिए कि वो जो मूर्ति बनी हुई है वो मिट्टी की हो और उसी का पूजा होना अच्छा होता है। इस बार ये जो मेरा प्रयास है, मैं आप लोगों से नम्र निवेदन यही करता हूँ कि बहुत लोग ऐसे बंधु हैं जो कि वंचित रह जाते हैं गणपति पूजा से। मेरा उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि उनको एक किलो दो किलो मिट्टी कहीं न कहीं से उपलब्ध हो जाएगा और हर घर में इस बार इतने उत्साह से बहुत सारे खुशी लेकर के हम लोगों को गणपति का पूजा करना है। तकरीबन हर प्रदेश में सभी बंधु अपने अपने घरों में गणपति महाराज का अपने हाथ से मूर्ति बना करके और पूजा अर्चना करें। भगवान हमें बहुत वृद्धि दे, खुश रखे, हमारा यही शुभकामना है आप लोगों से। और यही उम्मीद रखता हूँ कि इस बार गणपति पूजा हम लोग बहुत अच्छे से मनाएंगे और हर घरों में मनाया जाएगा। अंत में मैं एक बार और ये अवश्य बताना चाहता हूँ कि भगवान गणपति का मूर्ति बना करके और अपने हाथों से इनमें अलग अलग, इनके सर के ऊपर मुकुट पे अलग कलर, कान के अंदर अलग कलर, सूंड के ऊपर अलग कलर, लड्डू के ऊपर अलग कलर कर करके, यानी इनको इतना सुंदर बनाना है और अति सुंदर दिखे, यही हमें आप लोगों से उम्मीद है। और उम्मीद ये रखता हूँ कि कोई घर ऐसा ना वंचित रह जाए जिसमें गणपति भगवान न बने, हमें बहुत खुशी होगी। भाइयों, दोस्तों, बंधुओं, वंदे मातरम।